मैं अब क्या करने वाला हूँ, एक छोटा सा ऑडियो प्ले करूंगा यहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। आप में से कितने लोगों ने उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है यूट्यूब के ऊपर जो गुलजार ने बोली है, गुलजार साहब ने, कितने लोगों ने सुनी है? किसी ने नहीं। देखो क्या हो रहा है, हनी सिंह के गाने कितने लोगों ने सुने हैं? चार बॉटल वोडका, उसमें सनी लियोन दिख रही है डांस करती हुई। माइंड हमारा वर्ड्स में सोचता नहीं है, पिक्चर्स में सोचता है। तो जैसे ही वो गाना चलेगा माइंड के अंदर सनी लियोन आएगी, आप नेट पे जाकर के सनी लियोन सर्च करोगे, हो गया टाइम पास। क्या होगा, बोलते रहेंगे आपके पेरेंट्स, बेटा ये मत कर वो मत कर, नहीं मम्मा कुछ नहीं कर रहा मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ। कौन सी पढ़ाई होगी, क्यों करोगे पढ़ाई, कोई वजह ही नहीं है पढ़ाई करने की। इफ़ यू नीड अ रीजन टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यू नीड अ पर्पस, जीने की कोई वजह चाहिए, कोई इंस्पिरेशन चाहिए, कौन है, कहां से आएगी वो। आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू, इतना स्ट्रांगली मैंने कभी अपनी लाइफ में किसी के लिए रिकमेंड नहीं किया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। स्टूडेंट्स के लिए उनसे बड़ी इंस्पिरेशन इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। स्टूडेंट्स प्ले कर दो, एक बार वो ऑडियो प्ले कर दो। ९९ के रिपब्लिक डे पर देश ने मिसाइल प्रोग्राम की कामयाबी का जश्न मनाया, मुझे पद्म विभूषण से नवाजा गया और डॉक्टर अरुणाचलम को भी। 10 साल पहले पद्म भूषण की यादें एक बार फिर हरी हो गई। रहन सहन मेरा अब भी वैसा ही था जैसा तब था, 10x12 का एक कमरा किताबों से भरा हुआ और कुछ जरूरत का फर्नीचर जो किराए पर लिया था। फर्क इतना ही था कि तब यह कमरा त्रिवेंद्रम में था, अब हैदराबाद में। वेटर मेरा नाश्ता लेकर आया, इडली और छाछ, और आंखों में एक खामोश मुस्कुराहट मुबारकबाद की। मैं अपने हमवतनों की इस नवाजिश से छलक गया। मैं जानता हूं कि बहुत से साइंसदान और इंजीनियर मौका मिलते ही वतन छोड़ जाते हैं, दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं ज्यादा रुपया कमाने के लिए, ज्यादा आमदनी के लिए। लेकिन ये आदर, मोहब्बत और इज्जत क्या कमा सकते हैं जो उन्हें अपने वतन से मिलती है? 15 अक्टूबर 1991 में 60 साल का हो गया। मुझे अपने रिटायरमेंट का इंतज़ार था, चाहता था कि गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोलूं। ये वो दिन थे जब मैंने सोचा कि अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे, मुशाहदे और वो तमाम बातें कलम बंद करूं जो दूसरों के काम आ सकें, एक तरह से अपनी स्वाने उम्री लिखूं, अपनी जीवनी। मेरे ख्याल में मेरे वतन के नौजवानों को एक साफ नज़रिए और दिशा की ज़रूरत है। तभी यह इरादा किया कि मैं उन तमाम लोगों का जिक्र करूं जिनकी बदौलत मैं ये बन सका जो मैं हूं। मकसद ये नहीं था कि मैं कुछ बड़े बड़े लोगों के नाम लूं, बल्कि ये कि कोई शख्स कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मसले, मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा हैं और तकलीफें कामयाबी की सच्चाइयां हैं। जैसा कहा है किसी ने, खुदा ने यह वादा नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा, जिंदगी भर फूलों से भरी राहें मिलेंगी। खुदा ने यह वादा नहीं किया कि सूरज है तो बादल नहीं होंगे, खुशी है तो गम नहीं, सुकून है तो दर्द नहीं होगा। मुझे ऐसा कोई गुरूर नहीं कि मेरी जिंदगी सबके लिए एक मिसाल बनेगी, मगर यह हो सकता है कि कोई मायूस बच्चा किसी गुमनाम सी जगह पर जो समाज के किसी माजूर हिस्से से ताल्लुक रखता हो, ये पढ़े और उसे चैन मिले, ये पढ़े और उसकी उम्मीद रोशन हो जाए। हो सकता है ये कुछ बच्चों को नाउम्मीदी से बाहर ले आए और जिसे वो मजबूरी समझते हैं वो मजबूरी ना लगे, उन्हें यकीन रहे कि वो जहां भी हैं खुदा उनके साथ है। काश हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती हुई लौ को पर लग जाए और उस लौ की परवाज से सारा आसमान रोशन हो जाए।
क्या है? हाँ, ऐसे लोगों को सुनना है, ऐसे लोगों की बातें अंदर जाने देनी है। सोचो अगर आपकी भी सोच ऐसी हो जाए तो क्या होगा? सोचो। दुनिया बाद में बदलेगी, पहले आपकी जिंदगी बदलेगी। सबसे पहले दुनिया को आप तब तक नहीं बदल सकते जब तक खुद को नहीं बदलोगे। एक बार अंदर ये पनप गया ना, मुझे भी कुछ ऐसा करना है यार, कुछ तो करना है, हौसला बनना है दुनिया के लिए। चाहे कुछ लोग ही मेरे को देख करके इंस्पायर हों, कुछ करना है। ऐसी थोड़ी आया और चला गया, क्या है, कुछ करना है।